पहली बार दुर्ग रेंज की बैठक लेने पहुंचे छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने गुरुवार को 4.5 घंटे की मैराथन बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने जहां बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के साथ ही बेसिक पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा की। वहीं उन्होंने सबसे ज्यादा दुर्ग पुलिस की क्लास ली। बैठक में आते ही उन्होंने 9 घंटे तक जाम रहे नेशनल हाईवे के मामले में जवाब तलब किया और कहा कि किसी भी घटना के होने के बाद तत्काल रिस्पांस क्यों नहीं दिया जाता, घटनास्थल पर पहुंचने में एक दूसरे का इंतजार क्यों करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्ग जिले में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनने से पुलिस की इमेज खराब हो रही है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा कि रोड सेफ्टी को लेकर विशेष योजनाएं बनाई गई है, इसे सबसे पहले दुर्ग रेंज में लागू किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य तो मेरा था कि जो एक अपराधों की समीक्षा करना, क्योंकि अपराध समीक्षा करके जो आने वाले समय में चैलेंजेस आने वाले हैं। देखिए, मानसून अपराध एक सीजनल की तरह से चलता है। मानसून के अंदर अलग टाइप के होते हैं, सर्दियों में अलग होते हैं। आने वाला 30 त्यौहार उसका समय है। लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, वीआईपी ड्यूटी भी देखनी है, अपराधों का नियंत्रण भी करना है, रोड सेफ्टी पे भी अच्छे मेजर्स लेने हैं। तो इसी कारण मैं पूरी रेंज वाइज सभी रेंज की समीक्षा करी। छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग केंद्रीय सुरक्षा बलों की सहायता से हम लोग काफ़ी हद तक उनके जो सो कॉल्ड उनके जो कोर एरिया होते थे, जिनका उन्होंने अपने पे कब्जा करके रखा था, उनके हद तक हम वहाँ पे पहुँचने में सफल हो गए हैं। और उस सफलता के साथ साथ जहाँ पे हमारे सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन किए हैं और कोर एरिया में जो कैंप एस्टेब्लिश किए हैं, उसके साथ जो हमारी सर्विस डिलीवरी है सिविक एजेंसीज की, वो भी बढ़ गई है। तो जनता पे काफ़ी हद तक हम उस कोर एरिया में जनता का विश्वास अर्जित करने में सफल हुए। देखिए, अपराध एक डायनामिक चीज़ है, मतलब वो बदलती रहती है, पर हमें ये अपराध से, जैसे अब जब मैं तब था तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और साइबर क्राइम का इतना अपराध नहीं था जो आज उस लेवल पर आ गया है। अभी राजनांदगांव जिले में एक अच्छे, मतलब हमारे ASP साहब हैं गौरव, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्रिप्टो करेंसी का एक अपराध पकड़ा जो पूरे के पूरे एक हमारा केस स्टडी बन रहा है। तो अब क्राइम एक डायनामिक है, लेकिन हमको पुलिस को सक्षम और तैयार इस हिसाब से करना है कि वो आने वाले चैलेंजेस को देखे। और इसीलिए आज हमने एक रणनीति भी बनाई है कि ऐसे अपराधों को आने वाले समय में अपने को कैसे हैंडल